Sag Glas, Günther. चलिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपिक स्टडी पर, है ना। कैसे हो बालको? मेरे वीडियो नहीं चल रहा। चलो कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए तैयार हो जाइए, एकदम लग जाइए, है ना, पूरी जी जान से। बिल्कुल। नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डे, आप पर डे देख रहे होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं। कभी LIC ADO की आ रही है 7800 वैकेंसीज, कभी CPSI आ रहा है, CGL आने वाला है, CTSL आने वाला है, EPFO की वैकेंसीज आने वाली हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं। तो तुम जी जान से लग जाइए सभी लोग, जिसकी प्रिपरेशन में है दम, वही है मार्केट का बाजीराव सिंघम, है ना। अगले एक या दो साल में वही क्या होगा, इस मार्केट का बाजीराव सिंघम कहलाएगा, बाकी सब धुआं धुआं हो जाएंगे। चलिए देखा जाए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी नाउंस के बारे में, थोड़ी बात हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में की थी, उसके बाद हम लोगों ने नाउंस के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, बिहेवियर ऑफ नाउंस के बारे में कुछ हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। आज हम लोग आगे बात करते हैं नाउंस और आर्टिकल्स के क्वेश्चंस के बारे में, कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। कुछ पीछे है लेकिन लैपटॉप कहाँ है? चार्जर कहाँ है? मैं लगा मेरे चार्जर कहाँ है? चलिए कैसे बच्चों, है ना। मुकुंद कुमार, निकिता बिश्नोई, राजेश, मुकुंद कुमार सिंह, हरीश भंडारी, रमनदीप, दीपक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खुश रहो, खूब पढ़ो। ऋषभ मिश्रा, आवाज़ चली गई, आवाज़ कहाँ चली जाएगी, आवाज़ सब है। सर MM 30 331 बैस से मुखर्जी नगर, मुकुंद बढ़िया बेटा, खुश रहो। साउंड आ रहा है भाई, साउंड आ रहा है, आएगा आएगा, पहुंचेगा आप तक। बम भोले बम भोले। आने लगी, चलिए ठीक है, बढ़िया। देखा जाए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी नाउंस और आर्टिकल्स के बारे में, आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ चीज़ों के बारे में, नाउंस और आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन देखते रहिए, एक बार कोशिश कीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन देखा जाए, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन बैटल ऑफ वाटरलू। इंग्लिश डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू, बताएं जरा आंसर, बताएं इस पहले क्वेश्चन का। शोभित वर्मा, राम राम, बोलिए क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बोलते रहिए, उसी के साथ साथ हम लोग बात करते रहेंगे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हम सब जगह से हैं राजेश, MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सब मेरा अपना है, पूरा देश मेरा अपना है। और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना घर समझता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मोपॉलिटन, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मोपॉलिटन, है ना, जो पूरी दुनिया को अपना घर समझता है। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन कहता है, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन बैटल ऑफ वाटरलू, इन बैटल ऑफ वाटरलू, इस पूरे सेंटेंस को सही कीजिए। ऑप्शन नहीं है, है ना, आज डायरेक्ट पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे फिर हम बताएंगे इसका आंसर। चलिए देखा जाए, पहला क्वेश्चन
सही करते हैं हम लोग। कहता है कि द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है, मैंने आपको ये पॉइंट बताया हुआ है कि जब किसी भाषा के नाम के पहले द लग जाता है तब वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि द इंग्लिश का मतलब क्या है? पूरे अंग्रेज लोग। तो हराया किसको? फ्रेंच। फ्रेंच मतलब भाषा, तो फ्रेंच को नहीं हराया, फ्रेंच लोगों को हराया, तो लोगों के लिए क्या हो जाएगा? द फ्रेंच। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, पहली गलती है ना। अब जरा देखो आगे, एक बात तो यहां तक क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब भी ऐसी कंडीशन आए, वाटरलू एक जगह का नाम है, नाउन ऑफ, जब भी ऐसी कंडीशन आए है ना, ये समझ लो बिल्कुल, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर दिया जाए, क्या दिया जाए? नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर दिया जाए, तो पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल द लगना बिल्कुल अनिवार्य है, लगेगा ही लगेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते रहिए। अगर वीडियो शेयर नहीं की बेटा, तुम सबके बच्चे जो हैं वो बिना दांतों वाले पैदा होंगे, ध्यान रखना। कसम है तुम सबको, अपने अपने उनकी उनकी है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो नाउन ऑफ नाउन में पहले नाउन के साथ द बिल्कुल मस्ट है, लगेगा ही लगेगा। कोई क्वेश्चन आप उठा के देख लो, है ना। अब कहता है कि बैटल ऑफ वाटर लू, तो बैटल ऑफ वाटर लू, तो बैटल नाउन, वाटर लू जगह का नाम नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन यानी कि द बैटल ऑफ वाटर लू। मैंने एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा गलतियां इसलिए कर दी, ताकि मैक्सिमम जहां जहां से भी एक क्वेश्चन में एरर हो सके वो सब मैं आपको बताऊं, ठीक है। आज 7 से 9 भी एक क्लास है, आज 7 to 9 एक क्लास है CPOSI स्पेशल, ठीक है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे, मतलब CPOSI का 2017 का जो पेपर है उस पूरे पेपर को विद प्रॉपर प्लान प्रॉपर स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, उनको और उनको सबको बता देना, 7 से 9 भी आपको आना है लाइव आज, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटर लू, यानी कि दो जगह गलतियां थी, यहां भी द लगेगा, द फ्रेंच होगा और यहां द बैटल ऑफ होगा। क्लियर है मेरी बात? इन द बैटल ऑफ वाटर लू, ठीक है, तो दो जगह गलतियां थी। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक, बोले जरा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द टू सॉल्यूशंस, ऑफ द टू सॉल्यूशंस, बोलो जरा क्या होगा। Of the two solutions, first one is better. Typing error, ठीक है, चलो बोलो जरा, बोलिए। ऋषभ मिश्रा, कोई बात नहीं बेटा, ऑफलाइन क्लास ना सही तो ऑनलाइन सही, मैं हमेशा आपके साथ हूं, है ना, अब तो परमानेंट हूं, कहीं भी जहां भी आप जाओगे वहां पहुंच जाऊंगा मैं। ऋषभ, बिल्कुल 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 सही जवाब है ना। मैंने आपको बताया ये बात, मैंने आपको आर्टिकल में बताई है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए, इस सेंटेंस को अगर सही तरीके से लिखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फर्स्ट, पहले से ही कर दिए, फर्स्ट वन की जगह पर सॉल्यूशन इज बेटर ऑफ द टू सॉल्यूशंस,
देखिए जरा इस क्वेश्चन को, सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया है, मैंने आपको कराया था एक क्वेश्चन कि सीता इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, है ना। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि सीता इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। तो जब मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन आए कि जहां पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आ जाए, जहां पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आ जाए, ऑफ द टू आ जाए, उस कंडीशन में तो क्या होगा, सीता इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। क्या हो जाएगा, सीता इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक, यही बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी हुई थी। सेम बात यहां पर है कि फर्स्ट सॉल्यूशन इज बेटर ऑफ द टू सॉल्यूशंस। हमने इस सेंटेंस को दोबारा से क्या किया, सही क्रम में लिख लिया, सही ऑर्डर में लिख लिया। जनरली हम लोग यूज टू हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के। ये बात सेम ही है, कॉमा लगा के जो कॉमा से पहले होता है इसका मतलब होता है उसे कॉमा सेंटेंस के लास्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं वो बिना दा के नहीं लिखे जाते, वो बिना दा के नहीं लिखे जाते। ठीक, जो भी हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो बिना आर्टिकल दा के नहीं लिखे जाते। यानी कि पहली गलती क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, द फर्स्ट सोल्यूशन इज बेटर ऑफ द टू सोल्यूशंस। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद, जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, ऑफ द टू आता है, वैसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द बिल्कुल मस्ट है, लगाया ही जाएगा। तो क्या होगा, द बेटर ऑफ द टू सोल्यूशंस, क्या होगा, द बेटर ऑफ द टू सोल्यूशंस। यही बात इस क्वेश्चन में है, ऑफ द टू सोल्यूशंस यहां पर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वन इज द बेटर, द फर्स्ट वन इज द बेटर। ठीक है, दो गलतियां थी, दो जगह दा लगना था, एक तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले, जितने भी ऑर्डिनल्स होते हैं उनके साथ दा बिल्कुल मस्ट है, हमेशा लगता है। ऑर्डिनल कहने का मतलब वो शब्द जो ऑर्डर, सीक्वेंस बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, पास्ट, लास्ट, सब क्या है, ऑर्डिनल्स हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, वो दा अपने साथ लेते हैं। तो ऑफ द टू सोल्यूशन द फर्स्ट वन इज द बेटर। क्लियर मेरी बात सभी को, दोनों जगह दा आएगा। ठीक है पूजा, क्या समस्या बताएं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो पहली बात तो समझ में आने से कुछ है ही नहीं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है ये बात, मैंने कहा था कि जनरली क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज नहीं करते, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लिखा हो, ऑफ द टू लिखा हो, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आ जाए, ऑफ द टू आ जाए, तो ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगने वाला दा बिल्कुल सही होता है। यानी कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आ जाएगा, ऑफ द टू आ जाएगा, तो इसके पहले दा बिल्कुल लगेगा। आर्टिकल वाला क्लास जो है वो एक बार सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा मैंने डिटेल बताया हुआ है। शिकोहाबाद, क्वेश्चन फर्स्ट समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन फर्स्ट इसका मतलब आप लेट आए हैं, समझ में नहीं कैसे आया होगा, ये वाला, ये तो मैंने पूरा डिटेल बताया है कि जब किसी भाषा के नाम के पहले दा लग जाए तब वो भाषा उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने हराया किसको, फ्रेंच को थोड़ी हराया था, फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोगों को हराया होगा ना, तो फ्रेंच मतलब भाषा और द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग, तो अंग्रेजों ने फ्रांस के लोगों को हराया, तो फ्रांस के लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, द फ्रेंच लिखना पड़ेगा, तो द फ्रेंच लिख दिए। ठीक, फिर दूसरी इसमें गलती क्या थी, तो मैंने कहा कि भाई नाउन ऑफ नाउन, पहले वाले नाउन के साथ द बिल्कुल लगेगा, क्यों लगेगा, कि जब नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर आता है तो पहले नाउन के साथ द जरूर लगता है, द नाउन ऑफ नाउन, तो नाउन इधर, ऑफ फिर नाउन, तो द जरूर लगेगा, द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, बताया हुआ है क्वेश्चन मेरा। बिट्टू, पैरामाउंट में पढ़ाते हैं अभी, हाँ कभी कभार मूड होता तो, है ना, चलिए डन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए।
सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है सभी को? आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कहता है लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पॉजेस्ड, दैट ही पॉजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वॉज इन ग्रेट पेंस। चलिए इस सेंटेंस में बिल्कुल सही जवाब बताने वाले को नगद ₹2 की पुरस्कार, एकदम कैश, एकदम फेंक के मारेंगे, बताओ जरा। लेकिन पूरा सही बताना है, केवल एक आंसर नहीं, आपको पूरा सेंटेंस सही करना है। हो सकता है सेंटेंस में एक से ज्यादा गलतियां हों, बताएं सभी लोग। चलिए इनाम की राशि बढ़ाई जाती है ₹2.5 प्रति बच्चा। जल्दी 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 दीपक, पूजा, यादव शिकोहाबाद, रोहित, बिट्टू, बोले सभी लोग। डेल, बिल्कुल सही जवाब रमनदीप कौर, और आप जीतते हैं ₹2। ऐसा नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है ऑफ द मेडिसिन। डेल सर दिखाई नहीं दे रहा, दिख तो रहा है भाई, हमको दिख रहा है, तुमको कैसे नहीं दिख रहा? इतना ही नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, बताएं इसमें कुछ और भी है जो आपको बताना है। चलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं जीत पाएंगे आप ₹2। द ग्रेट द लिटिल लिटिल ही वॉज इन द ग्रेट पेंस। ही वॉज इन द ग्रेट पेंस, नहीं, नाउन का इसमें एरर है। देखो यहाँ पर पहला गलती, कहता है कि लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पॉजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम। अब देखिए सबसे पहली बात ही समझिए मेरी बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, समझते रहिए। अब यहाँ कहता है कि ये बताइए कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करें लिटिल की, आ लिटिल की और द लिटिल की, क्या डिफरेंस है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में? देखो यहाँ पर लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब होता है कंसिडरेबल अमाउंट, और द लिटिल का मतलब होता है जितना चाहिए उतना पूरा। जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 ग्लास मैंने आपको दिए, 1 ग्लास, दूसरा ग्लास और तीसरा ग्लास। इस ग्लास में यहाँ से यहाँ तक मिल्क होना चाहिए था, है कितना? इतना, ठीक। इस ग्लास में यहाँ से यहाँ तक मिल्क होना चाहिए था, है कितना? इतना। और ये छोटू ग्लास पूरा भरा हुआ, ठीक। मैंने आपको ये वाला ग्लास दिया, मैंने कहा बेटा चाय बना लाओ। अब ये बताओ क्या इस ग्लास में इतना दूध है इससे चाय बनेगी? बिल्कुल नहीं। क्या इस ग्लास में दूध है? है, लेकिन इतना कम है कि हमारा उससे काम नहीं चलेगा, यानी कि वो अमाउंट जो है तो लेकिन किसी काम का नहीं है वो क्या होता है? लिटिल। मैंने आपको ये वाला ग्लास दिया, मैंने कहा बेटा चाय बना लाओ, तो एक कप चाय तो बन ही सकती है, बाल्टी भर चाय भले न बने, यानी कि वो अमाउंट जो जिससे हमारा काम चल सकता है आ लिटिल कहलाएगा। आ लिटिल यानी कि वो नंबर, वो अमाउंट। लिटिल होगा तो अमाउंट की बात करेंगे, फ्यू होगा तो नंबर की बात करेंगे, तो वो अमाउंट जिससे हमारा काम चल सकता है क्या कहलाएगा? आ लिटिल कहलाएगा। तो आ लिटिल और थोड़े में पूरा, यानी क्या हो जाएगा? द लिटिल। द लिटिल का अगर आप बिल्कुल देसी भाषा में समझें तो द लिटिल का मतलब ही होता है बचा हुआ पूरा, बचा हुआ पूरा, यानी कि केवल पूरा नहीं, बचा हुआ पूरा। होना चाहिए था कितना? इतना। है कितना? इतना। और पूरा का पूरा बिल्ली पी गई, तो क्या हो गया? बचा हुआ पूरा, दैट इज द लिटिल। तो अब कहता है कि जो भी बचा हुआ पूरा, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत,
दा मतलब जो भी थोड़ा बहुत, तो लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन यानी कि दवाइयों का, मेडिसिन का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान उसको था, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान उसको था, क्या हो जाएगा? द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पॉजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया था द लिटिल, फिर गलत कैसे हो गया? इनाम क्यों नहीं जीत पाए आप बताएं? कोई बता सकता है कि इनाम क्यों नहीं जीत पाए आप यहां पर? क्योंकि पिक्चर भी बाकी है। अब कहता है कि द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पॉजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वॉज इन ग्रेट पेन्स। अब यहां देखो, अगर हम पेन्स की बात करें, अगर हम यहां बात करें किसकी, पेन्स की, तो पेन्स का मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम होता है इसका मतलब मेरे लाल। होना क्या चाहिए था? ग्रेट पेन। जब वो दर्द में था, दर्द उसको था, तो दवाइयां काम आई। दवाइयों का जो थोड़ा बहुत उसको ज्ञान था, तो जब वो दर्द में था तब काम आई। तो पेन मतलब दर्द और पेन्स मतलब कठिन परिश्रम। बात समझे? इफेक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्ट्स मतलब संपत्ति, असेट्स। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, सराउंडिंग्स का मतलब एम्बियंस, वातावरण। ऑड, ऑड मतलब विषम, ऑड्स एस लगा दो, क्या हो जाएगा? मौका, चांस, प्रोबेबिलिटी। पार्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत, पार्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स, यानी कि जैसे ही एस लगेगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिटिल आर लिटिल द लिटिल, तो लिटिल क्या हो जाएगा? द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पॉजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वॉज इन ग्रेट पेन। डन डन डन। हाँ पेन, अरे सौरभ कैसे बाबू, पेन फीलिंग है और फीलिंग प्लूरल नहीं होती। कभी किसी को बोले हो कि आज मेरे 15 दर्द हो रहा है, हैं आज मेरे पेट में 16 दर्द हो रहा है, तो जब काउंट ही नहीं कर सकते तो कैसे बोलोगे पेन्स, है ना? थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, फीलिंग्स वी कैन नॉट काउंट आर फीलिंग्स। कभी अपनी उनसे एक बोले हो कि तुमसे हमको 16.5 डैश हो गया, काहे? यू कैन नॉट काउंट इट, है ना? जिनको गिना नहीं जा सकता। नहीं यादव शिकोहाबाद, बिल्कुल नहीं। अबे बढ़िया नाम रखो, क्या नाम रखा हुआ है यादव शिकोहाबाद, ये क्या होता है? चलो अगला देखा जाए। अब बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बताएं जरा क्या होगा अगला क्वेश्चन। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। बोलिए क्या होगा, जल्दी बोलो। जिशान बोलो बेटा क्या होगा? देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन, क्या होगा? है ना? अब कहता है कि रेफ्रिजरेटर में, यहां पर दो बातें हो सकती हैं कि रेफ्रिजरेटर में काम चलने भर को दूध था जो उसने अपने बेटे को दे दिया, यानी कि आ लिटिल भी हो सकता है। दूसरी बात, रेफ्रिजरेटर में जो भी थोड़ा बहुत दूध था उसने सब अपने बेटे को दे दिया, यानी कि दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर द लिटिल भी आ सकता है और आ लिटिल भी आ सकता है। तो देयर वॉज आ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन, और उसने अपने रोते हुए बच्चे को दे दिया। ठीक, द लिटिल, देयर वॉज द लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा दूध रखा हुआ था और पूरा का पूरा उसने अपने बेटे को दे दिया। यानी कि इस सेंटेंस में हम दोनों का यूज कर सकते हैं और दोनों का यूज बिल्कुल 100% क्या होगा, सही होगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? दोनों बातें बोलो सभी देवता और देवियों, देवी और देवताओं बोलो, डन है ना? ठीक, और सभी लोग वीडियो लाइक करते रहिए, 51 लोग देख रहे हैं और 38 लाइक और 2 डिसलाइक भी, वाह वेरी गुड, कौन हीरा है ये?
अरे थ्री नहीं है, भावनाओं को समझो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, देयर THEIRE है ना, देयर वॉज, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती थोड़ी बहुत। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बउआ का झुंझुना टाइप क्वेश्चन है भाई, समझते हो ना, बउआ का झुंझुना यानी कि छोटा बच्चा जिस खिलौने से खेलता है उससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बताएं। बोलिए अगला क्वेश्चन, लेट जज इन यू, तो जब भी ऐसी फीलिंग आए तो क्या हो जाएगा, लेट द जज इन यू, यहां क्या हो जाएगा, लेट द जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, ठीक है। जब भी किसी को देखकर आपके अंदर कोई फीलिंग आए, एग्जैक्टली आप वो है नहीं, जैसे मान लीजिए रोते हुए बच्चे को देखकर उसके अंदर की माँ जाग गई, तो अगर वो माँ होती तो माँ जागती थोड़ी ना, बात समझे ना, यानी कि माँ है नहीं, केवल मदरली फीलिंग की बात हो रही है, तो लेट द मदर है ना, द मदर इन हिम या द फादर इन हिम, बच्चे मैच खेल रहे थे उनको देखकर आपके अंदर का जो क्रिकेटर है वो जाग गया, तो द क्रिकेटर इन हिम, द क्रिकेटर इन यू, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लेट द जज इन यू, आपके अंदर के जज। जब फीलिंग को नाउन के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, द लगाते हैं उसके पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा, द। रिया कुमारी आप उसको रिफ्रेश कीजिए, है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो उसको आप रिफ्रेश कीजिए और धुआं धुआं उड़ाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ जरा सही जवाब बताने वाले को ₹2 का नगद पुरस्कार। ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न्ड, क्या होगा यहां पर, रिटर्न्ड, ठीक, एंड देन रिटर्न्ड, बोलो क्या होगा, चलिए बोलिए। है ना, यहां पर समझिए मेरी बात को, कहता है, मैं लिख देता हूं, डू नॉट यूज आर्टिकल, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, ठीक है, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, यानी कि भोजन के जो नाम होते हैं, यानी कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इन सब के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता, तो ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM, ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM, यहां आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन यहीं पर कहता है कि अगर लंच को स्पेसिफाई कर दिया जाए, नेम्स ऑफ मील को स्पेसिफाई कर दिया जाए, बताया जाए कि लंच भोजन जो है वो किसने दिया था, कहां दिया था, तो बिल्कुल उसके साथ दाल लगेगा। अब मैंने कहा कि द लंच, अब मैंने कहा कि द लंच होस्टेड बाय मिस्टर सिन्हा वॉज वेरी डेलिशियस। आप देखो जरा, यहां पर मैंने कहा कि द लंच होस्टेड बाय मिस्टर सिन्हा वॉज वेरी डेलिशियस, कौन सा लंच, वो लंच जो मिस्टर सिन्हा ने दिया था। अब हमने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया, और जैसे ही स्पेसिफाई किया, दा बिल्कुल सही है, मैंने कहा कि ही इन्वाइटेड मी टू द डिनर, सोचो यहां पर मैंने कहा कि ही इन्वाइटेड मी टू द डिनर, सही या गलत, बोलो जरा, ही इन्वाइटेड मी टू द डिनर, सही या गलत, बोलो सभी लोग, जिशान रिश्तेदारी बात निकालना, पहले क्वेश्चन देखो, यहां पर मटेरियल नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा। रिया, आई हैड द लंच विद नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही जवाब, ईश्वर करे आपको ऐसा दिन आए कि आप नरेंद्र मोदी के साथ लंच करें और साथ में हमें भी ले चलें, है ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ही इन्वाइटेड मी टू द डिनर, सेंटेंस वाज सही या गलत, जल्दी बोलें, गलत, क्यों नहीं, बिल्कुल सही जवाब, द
नहीं आएगा, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर। फिर मैंने कहा यहीं पर दूसरा मैंने कहा कि द डिनर हेल्ड एट द ताज वॉज गिवन बाई डैस, वॉज गिवन बाई डैस, है ना। तो अब मैंने कहा कि वो डिनर जो कहाँ, जो ताज में, होटल ताज में दिया गया, अब क्या होगा, द डिनर हेल्ड एट द ताज, है ना। अब हम डिनर की बात नहीं कर रहे हैं, हमने स्पेसिफाई कर दिया वो डिनर, तो अब क्या होगा, द लगेगा। और जब भी देखो जिस सेंटेंस में वो का सेंस आए, वो डिनर, वो लड़का, वो व्यक्ति, वहाँ द जरूर लगेगा। किसी की ओर उंगली ऐसे करोगे, उंगली दिखाओगे, उसके साथ द जरूर लगेगा। क्यों, क्यों द क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। वो लड़का जो मुझसे कल मिला था, द बॉय, है ना, हु मेट मी यस्टरडे। बात समझ रहे हो सभी लोग। रोहित, पूजा, सत्यम, अंकित, सुमित, रमनदीप, अभी अभी, सुदर्शन, बोलो बालकों, सही है, समझ में आ रहा ना सब। तो क्या हो जाएगा, द डिनर हेल्ड एट द ताज वॉज गिवन बाई डैश, तो कौन सा डिनर, वो जो ताज पर लिया गया था। अब दा बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है, चलो अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पहले जवाब बताइए, द मंथ्स ऑफ, है ना, चलिए क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि द मंथ्स आफ्टर मंथ्स हैव गॉन बाय, द मंथ्स आफ्टर मंथ्स हैव गॉन बाय, यहां पर आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक, द मंथ्स आफ्टर मंथ्स हैव गॉन बाय, बताएं जरा क्या होगा जवाब। द मंथ्स आफ्टर मंथ्स हैव गॉन बाय क्या होगा, तो कहता है कि जब एक प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद में सेम नाउन हो, जो नाउन यहां वही नाउन यहां, तो ये वाला नाउन भी सिंगुलर होता है और ये वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। व्हेन अ प्रेपोजिशन इज followed and preceded by the same noun, both the noun and verb should be singular. तो उस condition में आने वाले दोनों ही noun और verb singular होते हैं, ठीक है, और द नहीं लगेगा, क्या होगा, month after month has gone by, month after month has गॉन बाई, है ना, काहे, तो एक प्रीपोजिशन से पहले और बाद में जब सेम नाउन होता है तो दोनों नाउन और आने वाली वर्ब सब सिंगुलर होता है, तो क्या होगा, मंथ आफ्टर मंथ हैज गॉन बाई, क्लियर है मेरी बात सभी को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मंथ आफ्टर मंथ हैज गॉन बाई, क्या हो जाएगा, मंथ आफ्टर मंथ हैज गॉन बाई, ठीक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा कि बिल्डिंग्स आफ्टर बिल्डिंग्स हैव कॉन्क्वर्ड, तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग हैज कंक्यूर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिल्कुल मंथ आफ्टर मंथ, हाँ, और आज ध्यान रखेंगे 7 से 9 भी एक क्लास है, 7 to 9 इस क्लास में जरूर आइएगा, सभी लोग सपरिवार आमंत्रित हैं। 7 to 9 भी एक क्लास है जिसमें हम लोग CPO, SI और CGL को लेकर एक कंप्लीट पूरा सेट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, विद प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, कैसे हम वर्ड मीनिंग, कैसे हम कॉमन एरर्स को अटेम्प्ट करें, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स वहां पर हम डील करने वाले हैं, तो उसमें भी आइएगा सभी लोग, सपरिवार आप आमंत्रित हैं, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बोलो जरा अगले क्वेश्चन में आंसर बताओ फटाफट।
कौन बताएगा सही जवाब? बोलो जरा। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। बोलिए, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। कौन बताएगा इसका सही जवाब? छोटा क्वेश्चन, एक रुपया नगद पुरस्कार। प्रैक्टिस कराबोगे तो जरूर आऊंगा। बिल्कुल प्रैक्टिस ही कराऊंगा मेरे लाल। रजनीश बिल्कुल सही जवाब है ना। चलो बोलो। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, क्या होगा? तो सराउंडिंग इज नॉट स्पेसिफिक, सो नो यूज ऑफ द। बच्चा मेरा, अभी मैंने एक मिनट पहले बताया कि नाउन, क्या बताया मैंने? नाउन ऑफ, नाउन पहले वाले नाउन के साथ द बिल्कुल मस्ट है, यानी कि ये वाला जो आर्टिकल द है ये बिल्कुल सही है। नाउन ऑफ, नाउन फर्स्ट नाउन के साथ दा लगता ही लगता है, सोचना ही नहीं है, हमेशा लगेगा, यानी कि ये वाला दा बिल्कुल सही है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। मेरे लाल, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों ओर, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण, एम्बियंस। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है ना, एम्बियंस। तो यहां क्या होगा? सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, इस स्थान का जो सुंदर वातावरण है, इंचेंटेड मी, उसने मुझे मोहित कर लिया। बात समझे? क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स। अनीता बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, व्हेन आई रीच्ड होम, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड कार्ट्स व्हील वाज ब्रोकन। तो आपको पता है कि अपोस्ट्रोफी एस लिविंग बींग के साथ यूज होता है सामान्यता। किसको जोड़ता है? लिविंग बींग्स को, है ना। ऑफ किसको जोड़ता है? नॉन लिविंग्स को। रिलेट करता है, इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन का नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए मैंने कहा राम के पापा, तो राम के पापा, तो के पापा को दिखाने के लिए सिंबल ऑफ अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफियस और ऑफ, तीनों का यूज होता है, ठीक है। सिंबल ऑफ अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, तीनों का यूज किया जाता है। कब? नाउन का नाउन पे अधिकार दिखाने के लिए। तो प्लूरल नाउन को, प्लूरल सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, लड़कों के पापा, तो क्या लिखेंगे? लड़कों के पापा, तो बॉयज पापा। हमने क्या किया? प्लूरल सब्जेक्ट केवल सिंबल, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट लड़के के पापा, तो लड़के के पापा यानी कि बॉय अपोस्ट्रोफियस पापा। अब लड़का एक, फिर का, फिर पापा, तो लड़के के पापा, ठीक। और ऑफ जोड़ता है किसको? नॉन लिविंग को। यहां देखो, इन दोनों केस में पहले वाला कौन है? लिविंग है, बॉय यहां भी, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, एक हो, है तो लिविंग विंग ही। ऑफ जोड़ता है नॉन लिविंग से नॉन लिविंग को। अब ये बताओ, कार्ट मतलब बैलगाड़ी और व्हील मतलब उसका पहिया, तो दोनों में से नॉन लिविंग कौन है? कोई भी नहीं। तो नॉन लिविंग से नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। दैट शुड बी व्हील ऑफ कार्ट, दैट शुड बी व्हील ऑफ कार्ट, है ना। क्या हो जाएगा? और फिर वही बात, नाउन ऑफ नाउन, तो यहां क्या हो जाएगा? आई फाउंड द व्हील ऑफ कार्ट वॉज ब्रोकन। क्या? व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड द व्हील ऑफ कार्ट वॉज ब्रोकन, ठीक है। क्या हो जाएगा? द व्हील ऑफ द कार्ट वॉज ब्रोकन। क्या हो जाएगा? द व्हील ऑफ
द कार्ट वॉज ब्रोकन. क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग से नॉन लिविंग को ऑफ जोड़ता है. टेबल के पैर, तो टेबल्स लेग नहीं, लेग्स ऑफ द टेबल. ठीक है, लेग्स ऑफ द टेबल. नॉन लिविंग से नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए सामान्यतः ऑफ का यूज किया जाता है. लिविंग को जोड़ने के लिए हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं. ठीक है, हाँ, इन दोनों में बहुत अंतर है. लड़कों के पापा, यानी कि लड़के बहुत सारे हैं. लड़के के पापा, यानी कि लड़का एक है. केवल सिंबल यानी कि प्लूरल, अपोस्ट्रॉफियस यानी कि सिंगुलर. ठीक है, इसमें और बहुत सारी हैं बातें, डिटेल में मैं बता दूंगा, दोबारा करा दूंगा, कोई इशू नहीं. बोलो, अरे हम स्वीट नहीं बोलते हैं, आप अच्छा समझते हैं, आप समझिए. मेरा मकसद केवल आपको समझाना है, आपको पढ़ाना है, आप बस पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा हमको. एस हटा दी जाएगी, कहां से एस हट जाएगा? हाँ, कार्ट व्हील नहीं बच्चा, याद आ चुका बात. ऐसे कैसे मेरे लाल, अगर हम कार्ट एस हटा दोगे, कार्ट व्हील क्या मतलब निकलेगा इसका? सेंसलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना. चलिए अगला देखा जाए. ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग. अगला कहते हैं, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर. रियल सिस्टर एट ऑल. अब यहां देखिए, अगर इस सेंटेंस की बात की जाए, अगर इस सेंटेंस की बात की जाए, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन बड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है. चलो देखो जरा, समझिए मेरी बात को. बोलो बच्चों क्या होगा. देखिए जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को, यहां समझने वाली बात है, किसी भी सब्जेक्ट को ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, जैसे बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, प्लूरल लिखना होगा, तो हम इसमें एस या ईएस जोड़ देंगे. तो क्या लिखेंगे, बॉयज. कुछ वर्ड होते हैं उनमें हम लोग ईएस जोड़ देते हैं, है ना. अब देखिए, तो ये तो हमने किया क्या, सिंगुलर से बना दिया प्लूरल, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं. पानी है क्या जरा, कोई बात नहीं, इसी में बोलो. आप देखिए जरा, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, है ना. तो जनरल किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस को जोड़ के उसको प्लूरल बना देते हैं. ठीक, बेसिक बात है, आपने पढ़ी होगी, आपने समझी होगी. लेकिन अगर यहां पर एक कंपाउंड नाउन आ जाए, क्या आ जाए मेरे लाल, कंपाउंड नाउन आ जाए, तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे, पहले मेरी बात समझिए. सिस्टर इन लॉ, लो नहीं बेटा, ला, लॉ, एल ए डब्ल्यू. अभी बिल्कुल रोहित, सही जवाब. अब देखो क्या करना है, तो मैंने कहा कि कंपाउंड नाउन अगर आ जाए तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो पहले तो ये समझिए कि भाई कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है. यहां पर कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा नाउन एक साथ, तो बन गया कंपाउंड नाउन. जैसे मैंने कहा सिस्टर इन लॉ, जैसे मैंने कहा इंजीनियर इन चीफ, जैसे मैंने कहा स्टेप सन, जैसे मैंने कहा हॉर्स रेस, जैसे मैंने कहा हॉर्स रेस, जैसे मैंने कहा पासर बाय. ठीक, मैंने कहा पासर बाय, हॉर्स रेस, सिस्टर इन लॉ, इंजीनियर चीफ, स्टेपसन, हॉर्स रेस. ठीक, तो अब कहता है कि जनरली किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन जब बात की जाए कंपाउंड नाउन की तब क्या करोगे.
जब बात की जाए कंपाउंड नाउन की तो क्या करोगे, कुछ मत करो, इसके रूट वर्ड को, इसके मेन वर्ड को प्लूरल बना दो। कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है, क्या करेंगे मेरे लाल, इसके रूट वर्ड को, मेन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। मेन वर्ड कहने का मतलब, अब ये बताइए, क्या बताइए कि पहले बहन होगी तब ना इन लॉ बनेगी, यानी कि रूट वर्ड क्या है, सिस्टर। तो प्लूरल बनाने के लिए साली नहीं, सालियां बहुत सारी हैं, क्या करोगे, रूट वर्ड को प्लूरल बनाओगे, यानी क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। बात समझे, तो ऑल हिज सिस्टर इन लॉ, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ। ये बाद वाला एस है ये गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, समझिए मेरी बात को, जब मैंने शुरू किया है थोड़ा बता देता हूं मैं। अब देखो जरा, तो मैंने कहा कि जो रूट वर्ड है उसको प्लूरल बनाएंगे, जो मेन वर्ड है उसमें प्लूरल बनाएंगे, तो पहले तो बच्चा ये ढूंढो कि भाई रूट वर्ड क्या है। ला सकते हैं प्रदीप, बिल्कुल बच्चा, अगर मेहनत करोगे तो 50 में से 50 बिल्कुल ला सकते हैं, बच्चे लाते भी हैं, ठीक है। तो मेन वर्ड प्लूरल बनाओ, तो पहले इंजीनियर बनोगे, फिर चीफ बनोगे, तो क्या हो जाएगा, इंजीनियर से चीफ। अब पहले बेटा होगा तब ना डिसाइड करोगे कि सगा है कि सौतेला, बेटा ही नहीं है तो सगा सौतेला कहां से होगा, यानी कि पहले बेटा, तो रूट वर्ड क्या हो गया, बेटा। तो स्टेप सन्स, हॉर्स रेस, हॉर्स रेस दो बार लिखे हैं, हॉर्स रेस क्या बोले, दोनों सेम है, सभी लोग हॉर्स रेस दोनों जगह सेम है। प्रदीप, पॉजिटिव केस बनाएंगे तो लॉ के ऊपर अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, पॉजिटिव केस हमेशा एंड वर्ड पर लगता है, सिस्टर इन लॉ अपोस्ट्रॉफी एस, सिस्टर इन लॉज हाउस। ठीक है, तो ऑल यहां पर हर कर लो तो ननद हो जाएगा, फिर ऑल हर सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर आप हर कर लो, सिस्टर हो जाएगा। चलिए बोलो जरा, ये हॉर्स रेस और ये हॉर्स सेम है, बिल्कुल नहीं, यहां पर कहता है घोड़ों की दौड़, तो हॉर्सेस रेस, क्या है ये, घोड़ों की दौड़, क्या होगा, हॉर्सेस रेस, जबकि ऊपर वाला हॉर्स घोड़ों की प्रजातियां, दोनों बातें हो सकती हैं, तो हॉर्स रेसेस, यानी कि जब घोड़ों की प्रजातियों की बात की जाएगी तो रेस को प्लूरल बनाया जाएगा। मैंने क्या कहा, रूट वर्ड मेन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे, तो डिसाइडिंग वर्ड यहां कौन सा है, रेस, तो रेस दौड़ की बात करेंगे तो घोड़ों की दौड़, तो हॉर्सेस रेस, प्रजातियों की बात करेंगे तो रेस को प्लूरल बनाएंगे, तो हॉर्स रेसेस, पासर बाई क्या हो जाएगा, पासर्स बाई। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो उसके रूट वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कि हमने यहां पर किया। ठीक, अब यहां पर एक छोटी सी बात और देखो, अब कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई कंपाउंड नाउन मैन या वुमन से शुरू हो, मैन या शुरू हो किससे, मैन या वुमन से, तो कहता है ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से शुरू होता है, ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से शुरू होता है, उस कंपाउंड नाउन को, मैन या वुमन से शुरू होने वाले कंपाउंड नाउन को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, दोनों पार्ट को प्लूरल बनाया जाता है। तो मैन को बना दो क्या, टीचर, और वुमेन को बना दो क्या, डॉक्टर। लड़कियां बचपन से क्या बनना चाहती हैं, डॉक्टर, तो डॉक्टर बना दो, इतना हम लोग कर ही सकते हैं, एटलीस्ट कर दिए, तो वुमेन को बना दिए डॉक्टर। ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमन से शुरू होता है, इसके दोनों पार्ट को प्लूरल बनाया जाता है, है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जब मैन का मतलब आदमी यानी कि पुरुष होगा और वुमन का मतलब महिला यानी कि स्त्री होगा, स्त्री प्रेस वाली नहीं, स्त्री मतलब महिला वाला, तो उस कंडीशन में ही ये बात लागू है,
मैं बताऊंगा क्या क्यों मैंने ये बात कही। आगे देखो, तो अब इसका प्लूरल लिखना है, तो मैन का प्लूरल मैन और टीचर का प्लूरल टीचर्स, तो क्या हो जाएगा मैन टीचर्स। वुमेन का प्लूरल वीमेन, तो क्या हो जाएगा एम ई एन। और डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स, तो क्या हो जाएगा डॉक्टर्स। तो मैन टीचर्स वीमेन डॉक्टर्स, बात समझे। तो ऐसा कंपाउंड नाउन जो मैन वुमेन से शुरू होता है उसके दोनों पार्ट को प्लूरल बनाया जाता है, इसको भी और इसको भी, है ना। हमने क्या किया, दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाया। क्लियर मेरी बात सभी को, डन है ना, बिल्कुल। अब यहां पर मैंने एक बात कही कि मैन का मतलब आदमी यानी कि पुरुष हो और वुमेन का मतलब महिला हो, तभी ये बात है। अब मैंने कहा कि मैन लव या मैन ईट, ठीक है। तो मैन लवर, यहां पर मैन का मतलब पूरी मानव प्रजाति है, मैनकाइंड। और जब मैन का मतलब मैनकाइंड होता है तब मैन लवर यानी कि वो जिसको मानवता से प्रेम है, जिसको सभी प्रजातियों से प्रेम है, उस कंडीशन में अब इसका अगर प्लूरल लिखना है आपको, तो इसका प्लूरल क्या लिखेंगे, मैन लवर्स। केवल बाद वाले वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है। अगर मैन का मतलब मैनकाइंड है तो मैन ईटर यानी कि मानवों को खाने वाला, तो अब मानवों को खाने वाला, अब ये थोड़ी कहेगा कि महिला है कि पुरुष है, बच्चा है कि बूढ़ा है, जो ह्यूमन बीइंग मिलेगा, है ना, यानी कि मैन ईटर। अब इसका प्लूरल लिखना है, यानी क्या लिखेंगे, मैन ईटर्स, ठीक है। तो जब मैन का मतलब ह्यूमन काइंड मैनकाइंड हो तब उसमें बाद वाले सेकेंड वाले वर्ड का प्लूरल लिखा जाता है, लेकिन जब मैन का मतलब आदमी हो पुरुष हो तब दोनों पार्ट को प्लूरल बनाएंगे। क्लियर सभी को, बोलो। कौन सा रॉन्ग, नो कुछ भी रॉन्ग नहीं है, सही है, ठीक है। चलिए यहां तक सभी को, आज तक के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे नाउंस और आर्टिकल्स के बारे में, कल के क्लास में हम लोग यहीं से कुछ क्वेश्चंस और हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, बने रहिए। अभी 7 से 9 सबको दोबारा आना है, 7 to 9 हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। 7 to 9 हम लोग दोबारा मिलेंगे, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में दोबारा बात करने वाले हैं। एक स्पेशल सेट मैं लेकर आ रहा हूँ CPSI सीरियल का, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। बिल्कुल पूरा स्ट्रेटजी प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्लानिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, केवल पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो 7 से 9 हम लोग दोबारा मिलते हैं, सभी लोग आएंगे, कोई अगर गायब हुआ ना तो समझ लो यूट्यूब में घुस के हम सूद देंगे तुमको, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन आपका जीवन मंगलमय हो। 7 बजे फिर मिलते हैं।